हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी पनीर बटर मसाला। इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है, इसको क्यूब साइज में कट कर लिया है। और हमें चाहिए एक प्याज, एक टमाटो, लहसुन और काजू। तो इसके लिए मैंने एक प्याज कट कर लिया है, एक टमाटो भी कट कर लिया है, थोड़ा सा काजू और 5-7 गार्लिक इसको कट करके ऐसे फ्राई कर लिया है थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा फ्राई हो जाए। ये बहुत इजी सा रेसिपी है, कोई भी इसको बना सकता है बहुत आराम से। कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें। ये अब पूरी तरह से हो गया है, इसको ग्राइंडिंग करते हैं। कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है, थोड़ा सा तेल दूंगी, थोड़ा सा जीरा दूंगी, अब थोड़ा सा बटर। अब मैंने जो ग्राइंडिंग का पेस्ट किया था ये ऐसा हो गया इसका टेक्सचर। इसमें थोड़ा पानी देकर ही कीजिए। अब इसको मैं इसमें डालती हूँ। अब इसमें इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी दे, इसको मिला लीजिए ऐसे। इसमें थोड़ा सा हल्दी मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, साकी पनीर मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, अच्छे से मिला लीजिए। ये बहुत इजी रेसिपी है, इसे कोई भी घर पे बना सकता है, बहुत आसानी से बन जाता है ये। और घर का ही सारा सामान लगता है। थोड़ा सा मैंने कस्तूरी मेथी दे दिया है, अच्छे से इसको मिला लीजिए ताकि सारा मसाला इसमें मिल जाए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, पानी थोड़ा बॉयल आ जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। इसमें मैं जो क्यूब वाला पनीर कट की थी उसको डालती हूँ। अब मैं इसमें पनीर को डालती हूँ। मैंने सारा का सारा पनीर इसमें डाल लिया है। थोड़ा सा मीडियम करके इसको होने के लिए रख देते हैं। हमारा पनीर मसाला बिल्कुल रेडी है, थोड़ा सा ग्रेवी है, बहुत अच्छे तरह से बन चुका है ये। इसको हम सर्व करते हैं, मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू। मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ ये कैसा बन चुका है।